प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन महादशाएं ऐसी होती है जो हमें फेवर नहीं कर रही होती हैं। यानी कि जो मारक ग्रह हमारी कुंडली के अंदर है उनकी महादशा चल रही होती है, जबकि कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन के अंदर वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जो वो अपनी कुंडली से उम्मीद करता है। दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चीज को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन यदि उसे महादशा फेवरेबल नहीं है तो यहां पर जातक को उसके जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट कम मिलेंगे। और यहां पर यदि मैं इसको और सरल भाषा में आपको समझाऊं तो लग्न का और चंद्रमा यानी कि आपकी राशि का संबंध यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता लगेगा कि जीवन के अंदर हमारे खाते के अंदर पिछले जन्मों के पुण्य कर्म संस्कार कितने हैं। यानी मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है किसी जातक की, लेकिन उसका जन्म पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे में जातक को जन्म के साथ ही शनि की महादशा भोगने को मिलेगी, उसके बाद बुध की दशा वह भोगेगा, उसके बाद केतु की और उसके बाद में वो शुक्र की। ऐसे में दर्शकों, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर शनि की महादशा के 19 वर्ष, बुध की महादशा के 17 वर्ष, केतु की महादशा के 7 वर्ष और शुक्र की महादशा के 20 वर्ष, यानी इतना लंबा समय उस जातक को ऐसे ग्रहों का मिल रहा है जो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे में जातक को अपने पूरे जीवन के अंदर संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुदरत की नियति यह कहती है कि जातक को जन्म के साथ ही संघर्ष करना पड़ेगा और पूरा जीवन व्यक्ति का संघर्ष में रहता है और जीवन संघर्ष करते करते ही पूरा हो जाता है। दर्शकों, इसके विपरीत यदि मान लीजिए किसी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है लेकिन चंद्रमा उसकी कुंडली के अंदर कृतिका नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है या उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में है, तो जातक को जन्म के साथ ही यहां पर सूर्य की दशा देखने को मिलेगी और जन्म के साथ ही सूर्य की दशा आरंभ हो रही है, 6 वर्ष सूर्य के, उसके बाद 10 वर्ष चंद्रमा के, फिर 7 वर्ष मंगल के, फिर 18 वर्ष राहु के और फिर 16 वर्ष बृहस्पति के। यानी इतना लंबा समय जातक को शुभ ग्रहों की स्थितियों का मिल रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि दोनों का लग्न एक ही है और मान लीजिए ग्रहों की प्लेसमेंट भी लगभग एक जैसी है तो भी यहां पर दोनों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि केवल चंद्रमा के नक्षत्र के परिवर्तन कर लेने से ही यहां पर जातक की महादशाओं का सीक्वेंस चेंज हो जाता है और जातक को जीवन के अंदर जहां एक व्यक्ति को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं दूसरे जातक को जन्म के साथ ही शुभ फल मिलना आरंभ हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की करता है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखनी रहेगी आपको कि जो पहले वाला जातक है जिसे आरंभिक जीवन में संघर्ष मिला, उसे अपने जीवन के अंतिम काल में सुख भोगने को मिलेगा, और जो दूसरा जातक है जिसे जीवन के आरंभ के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उसे अपने जीवन के अंतिम समय में कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छे समय का वो भोग पूरा कर लेगा उसके बाद में जब मारक ग्रहों की दशा आएगी तो यहां पर उसे उसके परिणाम भी देखने को रहेंगे। लेकिन यदि दोनों जातक अपनी कुंडली के आधार पर उपाय करेंगे तो पहले जातक को अपने जीवन में चल रहे संघर्ष के अंदर भी कमी महसूस होगी, उससे मुक्ति मिलेगी, और जो दूसरा जातक है आरंभ से ही जिसे सही ग्रहों की दशा मिल रही है वह भी यदि उपाय कर रहा है तो यहां पर वृद्ध अवस्था में भी उसके मारक ग्रहों के प्रभाव शून्य हो जाएंगे। दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली को बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर ही व्यक्ति को रेमेडीज भी बताई जानी चाहिए, क्योंकि
एक जैसी दिखने वाली कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट जरा सी भी अलग हो जाती है तो एक बहुत बड़ा फर्क हमको यहां देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने ज्योतिष के उस रहस्य को आपके सामने लाने का प्रयास किया है जो हम कभी गौर नहीं कर पाते, क्योंकि यह बहुत ही गहराई से अध्ययन का विषय है। जब तक आप किसी कुंडली का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, जातक के जीवन के अंदर जो घटित हो रहा है उसको एनालिसिस नहीं करेंगे और उसके आधार पर जो ज्योतिष के प्रमाणित सूत्र हैं उनको नहीं कंपेयर करेंगे, तब तक हम किसी भी जातक की कुंडली का सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते। यही कारण है दर्शकों कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि किसी भी जातक की कुंडली समान होने पर भी केवल नक्षत्रों के बदल जाने से जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।